मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। गोरखपुर की दरगाह मुबारक खान शहीद से जुड़े किसी भी ढांचे को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरगाह की ओर से स्पेशल लीव पिटिशन दायर करके दरगाह का हिस्सा तोड़ने के आदेश को खारिज करने और भविष्य में तोड़फोड़ पर रोक लगाने की गुजारिश की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी 2021 के फैसले को चुनौती देते हुए ये पिटिशन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर एक्ट 1972 के तहत लंबित कार्यवाही का निपटारा होने तक दरगाह से जुड़े किसी भी हिस्से को न तोड़ा जाए। जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को मौखिक तौर पर बताया था कि उन्हें गोरखपुर सिटी एसपी के जरिए जानकारी मिली कि वो 9 मार्च से ढांचे को तोड़ने का काम शुरू करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे ऑर्डर सामने आ गया। दरगाह मुबारक खान साहब की ओर से ये याचिका इकरार अहमद ने और उनके वकील शारिक अहमद अब्बासी ने दाखिल की है। इसमें बताया गया कि मकबरा परिसर के दक्षिणी भाग में मुबारक खान साहिब का मकबरा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईद सहित सभी महत्वपूर्ण मौकों पर यहाँ नमाज अदा करते हैं। ये जगह हिंदू और इस्लाम धर्म की एकता का प्रतीक माना जाता है। दोनों समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के कब्जे को अनधिकृत माना है। आरोप लगाया कि उन्हें कोई नोटिस भी नहीं जारी किया गया और निर्माण ध्वस्त करने का काम करने लगे। 1959 से ये विवाद शुरू हुआ था। हाँ, याचिकाकर्ता के मुताबिक साल 1959 में गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल के प्रिंसिपल ने दरगाह के आसपास की जगह और उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए थे। गोरखपुर में मुंसिफ कोर्ट के यहाँ मुकदमा भी दायर किया गया था, लेकिन दरगाह की ओर से कहा गया कि उन्हें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। कोर्ट ने यह मांग स्वीकार कर ली, दरगाह के पक्ष में फैसला दिया गया। तभी से दरगाह से जुड़े लोग परिसर का उपयोग कर रहे हैं। राज्य प्राधिकरण की ओर से भी कोई कभी हस्तक्षेप नहीं किया गया। अब प्रशासन का क्या कहना है? 29 जून 2019 को उपमंडल अधिकारी यानी SDO, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं छोटे में, ने एक आदेश जारी कर दिया। यूपी लोक परिसर अधिनियम 1972 की धारा 4 के तहत कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव रखा कि तोड़ा जाएगा। अब मामले की जाँच करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए राजस्व अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद दरगाह के इस हिस्से में रहने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आ गया कि वे यहाँ पर अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। लाइव लॉ कानूनी मसलों की वेबसाइट है, कानूनी खबरों की वेबसाइट है। उनके मुताबिक इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 दिसंबर 2020 को तोड़फोड़ रोकने का आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में इस स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अब दरगाह परिसर में तोड़फोड़ रोकने का आदेश आ गया है। आगे क्या होगा, यूपी सरकार नोटिस पे क्या जवाब देती है, वो हम देखेंगे, नज़र बनाएंगे। बड़ा अपडेट कुछ आता है तो आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप ललन टॉप देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं जेरी। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।